यह आ गया है कुली नंबर वन। अब ये कुली नंबर वन क्या है? कुली नंबर वन देखिए, अगर आपने 1995 की गोविंदा की कुली नंबर वन देखी होगी कि तो देखी होगी तो आपको याद ही होगा, सोना कितना सोना है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये सब गाने कुली नंबर वन के ही थे। कुली नंबर वन गोविंदा की फिल्म थी, 1995 में रिलीज हुई थी, उसी का रीमेक है कुली नंबर वन 2020 में। तो 26 साल बीत जाने के बावजूद डेविड धवन ने फिर कुली नंबर वन का रीमेक लॉन्च किया है और इसमें वह गोविंदा की जगह अपने बेटे वरुण धवन को लिए हैं और यहाँ पर सारा अली खान उनके साथ है। सारा अली खान सैफ अली खान की लड़की है। तो ये दोनों जो हीरो हैं, मतलब कि जो दोनों स्टार हैं, वह स्टारडम के ही बेटे हैं, एक वरुण धवन एक सारा अली खान। तो इस फिल्म की कहानी थोड़ा अजीब है, मतलब ठीक है, फिल्म देखने लायक है और ये काफी मौज मस्ती वाली है। कुली नंबर वन जैसे मजाकिया ढंग से थी वैसे भी यह फिल्म है। और इस फिल्म में कादर खान की जगह आपको मिल जाएंगे परेश रावल, क्योंकि कादर खान तो अब रहे नहीं। तो ये फिल्म 8 मार्च 2018 को डेविड धवन ने घोषणा की थी कि वह अपने 1995 की सफल कॉमेडी फिल्म कुली नंबर वन के रीमेक का डायरेक्शन करेंगे, जिसमें उनके बेटे वरुण धवन ने कुली राजू, जो कि मूल फिल्म में गोविंदा द्वारा चित्रित है, किया है। 19 मार्च 2019 को सारा अली खान की जो रोल निभाने वाली जो थी उन्होंने साइन किया, जिसका मतलब यह था कि वह करिश्मा कपूर की जगह लेंगी। और 24 अप्रैल 2018 को वरुण धवन के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म की आधिकारिक विवरण सामने आए थे। फिल्म के लुक का जो अनावरण किया गया तो रिलीज की तारीख 25 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर की गई और जून 2019 में परेश रावल को मालती के पिता होशियारबंद की भूमिका को पुनः पुष्टि के लिए पुष्टि की गई, जिसके मूल में स्वर्गीय कादर खान द्वारा चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर यह था फिल्म के भाई कैसे कैसे फिल्म रिलीज हुई है। तो फिल्म मस्त है, देख लेना भाई। और इसको मैं फिल्म की कहानी सुनाऊंगा, अभी इस फिल्म में तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन अगले फिल्म में आपको फिल्म की कहानी जरूर सुनाऊंगा। लेकिन गाने का जो रिमिक्स है सब वही है पुराने गाना, जब उसको नए स्टाइल ढंग से पेश किया गया है। लेकिन सोना कितना सोना है ये वाला गाना जो है ना, वो मुझे पुराना वाला ही पसंद आया है। आप कभी अगर देखेंगे तो मस्त लग रहा है पुराना वाला नए वाले की अपेक्षा, और डांस स्टाइल भी बढ़िया है पुराने वाले की। नए वाला भी ठीक है लेकिन पुराना वाला ज़्यादा दमदार है। तो अब आते हैं कि ये जो कुली नंबर वन जो 1995 में बनी थी, वह भी एक रीमेक थी 1993 की, और मतलब एक तमिल फिल्म थी उसी का रीमेक। इसमें हम बात करते हैं कि गोविंदा जो है मुख्य कलाकार के रूप में जो थे, उनका नाम राजू था, करिश्मा कपूर मालती के रूप में काम कर रही थी और हरीश दीपक के रूप में, और शक्ति कपूर गोवर्धन मामा के रूप में, और कादर खान होशियार बंद के रूप में काम कर रहे थे, और इसी तरह सदाशिव मरापुरकर पंडित शादीराम घर जोड़े के रूप में काम कर रहे थे। तो इसी तरह से स्टार कास्ट काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो इस फिल्म में जो है ना कि 1995 वाली जो कुली नंबर वन थी, उसमें गोविंदा होता है क्या कि शादीराम घर जोड़े यानी सदाशिव मरापुरकर एक विवाह कराने वाला है, मतलब नहीं होते हैं मीडिएटर, जैसे कि दो शादी के जैसे कि लड़की लड़कों में शादी करवाने वाले एक मीडिएटर होते हैं ना भाई, तो वही थे जिसको दलाल कर सकते हो, लेकिन वाकई में दलाल होता नहीं है, लेकिन वही थे। तो शादीराम एक लड़के का रिश्ता होशियार बंद
यानी होशियार चंद यानी कादर खान की बेटी के लिए ले आता है, लेकिन होशियार चंद उससे अपमानित करता है और उन्हें बाहर फेंक देता है और कहता है कि उसका दामाद कम से कम उनसे 40 गुना धनवान होना चाहिए। इसी बात पर जो सदाशिव राव पुरकर हैं, जो साधी राम के नाम से मशहूर हैं, बड़ा इंसल्ट महसूस करने लगते हैं और कहीं ना कहीं कादर खान से जो होशियार चंद हैं उनसे बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं। और उस जगह को थोड़ा कहा सुनी भी हुई थी, इन दोनों में काफी बहस हुआ था, फिल्म में दिखाया गया है। और जो फिर सदाशिव अनुराग पुरकर जो है ना, वो अपने दोस्त राजू से मिलने जाते हैं। राजू एक कुली है जो कि गोविंदा है। वैसे राजू इस मिलने जाता है और उसे एशिया में सबसे अमीर आदमी का बेटा बनने का नाटक करने के लिए हुआ, मतलब जो सदाशिव अनुराग पुरकर है वो राजी करते हैं। मतलब डुप्लीकेट अमीर बेटा, मतलब गोविंदा जो कुली है बने हैं उनको वह एक अमीर, एशिया का सबसे अमीर मतलब व्यक्ति बनने का वो जाल बुनते हैं। और फिर क्या, वो डुप्लीकेट कोट पेंट टाई गोविंदा लगाकर बिल्कुल एकदम जेंटलमैन बन जाता है और होशियार चंद के सामने पेश हो जाता है शादी का अथवा मतलब लेकर, रिश्ता लेकर। और मालती की शादी उससे भी हो भी जाती है। और शादी के दिन तो मालती कहती है, भाई घबरा जाती है कि इतने बड़े आदमी की शादी उसके साथ हुई है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब भंडा फूटता है तो बहुत तमाशा होता है। वो बस इसी पर वो पूरी कहानी चलती है। और शादी के बाद राजू को पता चलता है कि उसे अपने पूरे जीवन में नाटक करना पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे होशियार चंद को उस पर संदेह होने लगता है, खासकर जब वो कूली के रूप में काम करते हुए बस अड्डे पर होशियार चंद जब पकड़ लेता है तब वो डबल रोल का नाटक कभी करता है। पुलिस केस भी होती है और बार बार वो कहता है कि भाई मेरे जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है। और इसी चक्कर में बार बार वो ड्रेस बदलता है। तो मतलब इस तरह से भाई राजू परेशान रहता है, खुद भी और दूसरे लोग भी परेशान रहते हैं। और कुली नंबर वन का जो संगीत है ना, वो काफी दमदार है। बड़ी हिट गाने थे उसके। गाना गाने वाले में कुमार सानू, अलका याग्निक, चंदना दीक्षित, अभिजीत, पूर्णिमा, ये लोग थे जो काफी मस्त गाना गाए थे। आ जाना जाना जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली, आ जाना। इस गाने को कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था। कुली नंबर वन मैं हूँ, कुली नंबर, इसको कुमार सानू ने गाया था। हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना, आके दीवाने मुझे गले से लगा ना, गोरिया चुराना मेरा जीना गोरिया। इस गाने को गाया था चंदना दीक्षित और अभिजीत ने। मस्त गाना था, बहुत हिट हुआ था यार, गजब मस्त था। क्या मजनू क्या रांझा एक गाना था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ये आपने सुना ही होगा। कुमार सानू अलका याग्निक ने गाया था। तेरे प्यार में दिल दीवाना, इसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। तो उस समय के उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, अलका याग्निक, पूर्णिमा, चंदना दीक्षित, ये लोग काफी सुपर डुपर हिट क्या कहते थे, सिंगर होते थे, मस्त मस्त गाते थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था। ये गाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। जो सबसे मस्त गाना लगता है, जो हुस्न है सुहाना से भी जो मस्त गाना लगा है मुझे, वो जेठ की दोपहरी में। और जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे हैं, आके गोद में उठा थाम ले भैया। अरे आवा नगरी में पाँव जले हैं रानी, पाँव जले हैं। ये जेठ की दोपहरी जो ठेठ भाषा ये जुआ है ना, ये बड़ी मस्त लगता है। अब यार सुनोगे तो कहोगे, मतलब उसमें जो आवाज निकलती थी बड़ी ठहर ठहर का, बड़ा कोमल आवाज निकलती थी। आज की आवाज में बड़ा फुहड़ता है ना, जो सिंगिंग में है। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि आज के जो सिंगर हैं वो फुहड़ हैं, लेकिन आवाज उस तरह से नहीं निकलती जो पहले के लोगों में निकलती थी।
उस समय का माहौल और सिंगिंग वगैरह सब चीजें बहुत काफी अलग और यूनिक होती थी आज के जमाने से। तो ये इफेक्ट है। तो गाना अगर सुनना है तो भाई कुली नंबरों का गाना दमदार है, एकदम मस्त है। और फिल्म दोनों ही अच्छी है, मतलब आप 1995 वाला भी देख सकते हैं और 2020 में जो वरुण धवन की रिलीज हुई है सारा अली खान के साथ, तो उनको भी देख सकते हैं आपका जिसी इच्छा। एक बात मैं बताना भूल गया कि जो 1995 की जो कुली नंबर वन बनी है, डेविड धवन ने जिसे बनाया है, वैसे तो दोनों को 1995 और 1920 दोनों ही जो कुली नंबर वन की मूवी है उसे डेविड धवन ने ही बनाया है। लेकिन जो 1900 मतलब कि ये कुली नंबर वन जो 1995 की बनी थी वह 1993 की तमिल फिल्म चिन्ना मेपिलाई की रिमेक है। ये मतलब तमिल फिल्म है चिन्ना मेपिलाई, मतलब कि वो तमिल में इस तरह से नाम ही होता है, तो वहाँ की ये रिमेक है। और ये फिल्म काफी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही। गाने इसके इतने दमदार थे कि भाई पूछिए ही मत। डेविड धवन के फिल्म में गाना बड़ी हिट हुआ करता था उन दिनों, ये डेविड धवन की खास बात होती थी। और डेविड धवन और गोविंदा की जो जोड़ी होती थी ना वो मस्त रहती थी। और डेविड धवन गोविंदा और ये क्या बोलते हैं करिश्मा कपूर, ये ट्रिंगुलर जो है ना, ये ट्रिंगुलर जो क्या कहते थे रिलेशन जो होता था फिल्मों में ना, ये साथ चलता था ज्यादातर इनके फिल्मों में, मतलब गोविंदा और ये क्या बोलते हैं करिश्मा कपूर ज्यादातर होते थे। कुली नंबर वन जो होता है सुपर हिट हो गई थी फिल्म, और ये मतलब कि मस्त फिल्म था, लोगों ने देखा था, मैंने खुद उस समय देखा था और ये जानदार लगा था। डेविड धवन की बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि ताकतवर जो 1989 में आई थी, जुर्रत 1989 में आई थी, आंधिया 1989 में, गोला बारूद 1989 में आई थी। तो यानी 1989 में भाई वो युवा रहे होंगे और खूब फिल्में उन्होंने रिलीज की। आग का गोला, इसमें भी गोविंदा नहीं है। 1990 में स्वर्ग 1990 में आई थी, गोविंदा थे। एक और फौलाद 1991, 16 और शबनम में भी 1992 में गोविंदा थे। बोल रहा था बोल 1992 में भी गोविंदा थे, आंखें 1993 में भी गोविंदा थे, इनामिना डीका में जो कि था ऋषि कपूर विनोद खन्ना, ये 1994 में आई थी। अंदाज 1994 में अनिल कपूर की आई थी, और राजा बाबू 1994 में आई थी। ये तो मेरी फेवरेट फिल्म थी, ये भी गोविंदा आई थे। कुली नंबर 1995 में गोविंदा आई थी, याराना में 1995 में आई थी, वो थे इसमें ऋषि कपूर थे। साजन चले ससुराल में 1996 में आई थी, गोविंदा थे। लोफर 1996 में आई थी, अनिल कपूर। जुड़वा 1997 में आई थी, ये सब डेविड धवन की फिल्में थी। और जुड़वा 1997 में थे, इसमें वो थे सलमान खान का डबल रोल था, काफी फिल्म हिट हुई थी। बनारसी बाबू ये गोविंदा की फिल्म है, 1997 में आई थी। हीरो नंबर वन 1997 में आई थी, गोविंदा की फिल्म थी। दीवाना मस्ताना भाई बता नहीं सकते। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी ये 1997 में आई थी। घर वाली बाहर वाली ये शायद अनिल कपूर की फिल्म थी, 1998 में आई थी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ये पता नहीं, 2001 में हम किसी से कम नहीं, 2002 में आई थी यह जलवा, 2002 में चोर मचाए शोर, एक और 11 2003 में आई थी संजय दत्त और गोविंदा की थी, मस्त फिल्म थी। मुझसे शादी करोगी 2004 में आई थी अक्षय कुमार और ये सलमान खान की, मैंने प्यार क्यों किया है शायद सलमान खान की फिल्म थी कि पता नहीं यार। शादी नंबर वन ही गोविंदा की थी, पार्टनर ये गोविंदा की फिल्म थी। डू नॉट डिस्टर्ब आई डोंट नो, सर्कस नहीं पता, चश्मे बद्दू नहीं पता, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो 2014 में आया था। मैं तेरा हीरो नहीं पता, जुड़वा 2 भी आया था 2017 में। तो ये भाई था डेविड धवन की फिल्में। और मतलब कि
गोविंदा के साथ बहुत सारी फिल्में हुई हैं, मतलब मुझे तो लगता है 60% फिल्म गोविंदा के साथ ही रिलीज हुई है और सारी फिल्में हिट हैं। और जितनी भी गोविंदा के साथ है, डेविड धवन ने फिल्में बनाई है, वो अच्छा खासा हिट है। आप अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, फिल्म ने अच्छी कमाई की है। अगर भाई हिट नहीं होती भाई फिल्में, तो भाई गोविंदा को क्यों पसंद करते, डेविड धवन इतना उनके साथ कनेक्ट क्यों रहते। और जो फिल्म बनाने का डेविड धवन का अंदाज है, उनकी फिल्म में हंसी मजाक खूब होता है, सीरियस फिल्म का हिस्सा बहुत 20% ही रहता है, तो मस्त है भाई। तो मतलब ऐसा अगर कॉम्बिनेशन देखिए, और किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या दोनों जो है, अगर उसको बढ़िया हीरो मिल जाता है और हर फिल्म में लगभग मस्त रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो भाई जो ऑडियंस आती है ये बहुत कम देखती है कि किस डायरेक्टर ने किस हीरो को लिया है, या कि डायरेक्टर बाबा हीरो को लिया है, ये कोई थोड़ी देखता है। ऑडियंस देखते होंगे लोग, मतलब 10 में 100 में से 5% लोग ये ऐसा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। 95% लोग केवल मतलब फिल्म का मजा देखने के लिए आते हैं, ना कि वहाँ फिल्म का रिव्यू तो एनालिसिस तो दुनिया भर का सर्वे करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं। तो भाई फिल्म ये थी डेविड धवन की, मस्त फिल्म बनाते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने तो काफी देखा है, आप भी देखकर एंजॉय कीजिए डेविड धवन साहब की फिल्में। जैसे कि राजा बाबू, राजा बाबू भाई क्या फिल्म थे। उन दिनों राजा बाबू का गाना इतना दमदार मुझे लगता था भाई, आ, आ, ए, आ, 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 मेरा दिल तो रूठ के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप पढ़ना लिखना और कुछ जानू ना। गाना मस्त लगता था ये, आई वाला गाना सरकारी लोखटिया जाड़ा लगे, इस तो गाना थोड़ा फुहार टाइप से लगता है, लोग सुनते थे, मुझे उतना पसंद नहीं आता था, लेकिन आई वाला गाना अच्छा गाना है, आप उसे सुन सकते हैं। तो राजा बाबू की फिल्म बड़ी हिट हुई थी, लोग बहुत देखते थे, कॉमेडी इतना ज्यादा था उसमें कि पूछिए मत, पूरा एकदम जर्मन पकड़ कर शक्ति कपूर बिलियन, एक बिलियन को थमा देता है, जाकर पानी में गिर जाता है, वो वाला भी गजब था सीन, इतना बड़ा उसका जर्मन था, मतलब शक्ति कपूर नंदू का जो रोल किए थे, इतना बड़ा जर्मन था। तो ये सब था, मतलब कि बढ़िया ढंग से जो डिपिक्ट किया गया था चीजों को। तो मैंने खुद अपने जीवन में मतलब कि राजा बाबू का करीब 15 से 20 बार तो देखा ही होगा, करीब इन 26 मतलब जितने जब से रिलीज हुई है, तो मतलब कि रिलीज हुए मुझे तो लगता है 23 22 23 25 साल तो हो गए होंगे, 25 साल में वो मतलब फिल्म मस्त लगती थी यार। फिर नहीं तो ये है कि फिल्में यार डेविड धवन की फिल्में साफ सुथरा भी होती है, उसमें गंदगी नहीं होती है, मतलब आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं। आप खुद अगर डेविड धवन का फेस देखें तो उन्हें देखकर लगता है कि भाई ये मतलब कि साफ सुथरा आदमी लगते हैं, और उनके फिल्म में कोई वल्गरियसनेस नहीं रहता है, भद्दापन नहीं रहता है, फैमिली फैमिली लाइक वो फिल्में बनाते हैं। तो ये वीडियो था भाई कि भाई आपको कुली नंबर वन के बारे में, और ये फिल्म जैसे ये मतलब कि थोड़ा बहुत कूली से भी इंस्पायर थी, मैं बहुत पहले 70 के दशक में कि 80 दशक में, अब उसका सन मुझे ठीक से याद नहीं है, अमिताभ की फिल्म आई थी कूली, तो उससे भी कुछ ये इस फिल्म इंस्पायर्ड थी, वो भी कूली जो थी अमिताभ की खूब चली थी। तो मित्रों ये था भाई कूली नंबर वन के बारे में, अगर आप चाहें इस फिल्म को देखना तो आप यूट्यूब के प्रीमियम में जाकर इसको देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह से इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है भाई दूसरे जगहों से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट करें, या हमें ईमेल करें प्राइवेट तौर पर, फिर हम आपको दूसरे साधन बता सकते हैं। अगर मतलब फिल्म देखने की ज़्यादा इच्छाएं रहती हैं भाई, सोचते हैं कि भाई आराम से व्यवस्था हो जाए, तो मतलब आप कांटेक्ट करें,
और ये मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह तो है ही आराम से, आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और इस तरह के, मतलब अमेजॉन का जो प्राइम वीडियो है सब, तो बढ़िया ढंग से थोड़ा सा पे कर दीजिए, आपको मतलब वीडियो मिल जाएगा, डाउनलोड कर आराम से देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मस्त खबरें, सीक्रेट वाली चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताता है, वो सब डाटा मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, ताकि आप लोग को फिल्म देखने में मजा आए। जाते जाते मैं आप लोग एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई मौज मस्ती करते रहें, फिल्में देखते रहें, लेकिन ज्ञान भी प्राप्त करते रहें, आप पढ़ाई लिखाई करें, बिजनेस करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आ गए हैं, उनको भी कर सकते हैं, करियर बनाएं, और भी सभी ज्ञानों में सबसे अच्छा ज्ञान गीता का ही ज्ञान है, पुराण का ही ज्ञान है, इन्हें पढ़कर आप अपना ज्ञान अच्छा करें, और अध्यात्म ज्ञान खराब नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में ज्ञान अच्छा ज्ञान माना जाता है, उसे पढ़कर आप अपना जीवन, अपने परिवार के जीवन सुधार सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको KGF के बारे में बताने की, या जो लाल सिंह चड्ढा है उसके बारे में भी फिल्म रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, मस्त रहिए।